So in the last class, we had completed our discussion on the topic dispersion. Today, we are going to start with another aspect of data analysis, another measure that's important when you are analyzing your data, which is called as skewness. So we have also looked at this concept before, but today we are going to talk about it in greater details. So basically, skewness क्या होता है? So suppose you have a distribution and say the distribution is symmetric. So by symmetric you mean that this is your mean, your average. In a symmetric distribution, the three measures of central tendency will always be equal. So mean will be equal to mode, will be equal to median. Whereas this relationship between mean, median, mode, ये change हो जाती है जब आपका डेटा स्क्यूड होता है. Now आपका डेटा स्क्यूड कैसे होता है? Suppose you add पॉजिटिव साइड पे, which is the साइड जहां पे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. अगर इफ यू एड मोर डेटा पॉइंट्स विच आर ग्रेटर इन नंबर, विच आर टुवर्ड्स दी ग्रेटर साइड ऑफ दी एक्स वैल्यू, देन आपका जो डेटा है वो थोड़ा सा स्क्यूड हो जाता है और उसकी जो शेप है वो इस तरीके से बन जाती है. सो योर डेटा विल हैव अ टेल टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड. दिस काइंड ऑफ स्क्यूनेस, ये जो डेटा में स्क्यूनेस आया है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस. अगर आप अपने डेटा में कुछ वैल्यूज ऐड कर दो जो नेगेटिव साइड ज्यादा हैं, नेगेटिव से मतलब नॉट नेसेसरली माइनस साइन. नेगेटिव मीन्स व्हेन यू हैव डेटा, व्हेन योर डेटा इज कॉन्सेंट्रेटेड इन दी लोअर वैल्यू, टुवर्ड्स दी लोअर वैल्यूज ऑफ एक्स, देन द शेप ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन विल चेंज एंड इट विल बिकम लाइक द टेल विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव स्क्यूनेस. तो जब हम डेटा एनालाइज कर रहे होते हैं तो अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस में से किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, वेदर इट इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और इज इट अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और इज इट नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स वेर वी वर टॉकिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. सो लेट मी जस्ट गो बैक टू दैट स्लाइड. इफ यू रिमेंबर, हमने यहाँ पे ये बात करी थी पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस की. यहाँ पे आप देखोगे दिस इज द चार्ट विच रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड दिस इज द चार्ट विच रिप्रेजेंट्स नेगेटिव स्क्यूनेस. एंड हमने ये बात करी थी कि जब भी डेटा में स्क्यूनेस होती है तो जो तीन मेजर्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, वो आपस में इक्वल नहीं रहते. पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन जो है वो इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर्ड टू द सिमेट्रिक केस, एंड मोड स्टेज एट द प्लेस वेयर इट इज. सो मोड वहीं पर रहता है जहां पर है, एंड मीडियन फॉल्स बिटवीन मोड एंड मीन. सो यहां पे इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, दिस इज मोड, दिस इज मीडियन, एंड दिस थर्ड वैल्यू इज द मीन. यू विल नोटिस दैट द मीन इंक्रीजेस, देन मोड वहीं पे रहता है जहां पे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में था, एंड देन मीडियन इज बिटवीन मोड एंड मीन. इन द केस ऑफ नेगेटिव स्क्यूनेस मीन जो है डिक्रीज हो जाता है. दिस इज मोड. आई आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो दैट दिस इज इनकरेक्ट, बट दिस वैल्यू इज मोड. एंड अगेन मीडियन जो होता है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है, लेकिन मीडियन में इतने ज्यादा चेंजेस नहीं आते जितना मीन में आते हैं. तो मीन में सबसे ज्यादा चेंज होता है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्यूनेस. इंक्रीज होता है, मीडियन और मीन दोनों ही इंक्रीज होते हैं, लेकिन इंक्रीज इन मीन इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन मीडियन. सिमिलरली जब नेगेटिवली स्क्यूड होता है डेटा तो मीन और मीडियन दोनों डिक्रीज होते हैं, लेकिन द डिक्रीज इन मीन
इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन मीडियन. हमने ये रिलेशनशिप भी पढ़ा था इस लेक्चर में दैट मीन और मोड का जो डिफरेंस होता है विच इज दिस डिस्टेंस, इट इज 3 times द डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन. राइट नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन दिस नॉलेज, लेट्स लुक एट हाउ टू मेजर स्क्यूनेस एंड वॉट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस मेजर ऑफ स्क्यूनेस. तो हमारे डेटा में पॉजिटिव स्क्यूनेस है, नेगेटिव स्क्यूनेस है, और कितना एक्सटेंट है स्क्यूनेस का वो हम मेजर कर सकते हैं इन फॉर्मूलेस से. सो सबसे पहला जो मेजर है जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज द पियर्सोनियन मेजर ऑफ स्क्यूनेस. दीज आर द टू फॉर्मूला दैट यू कैन यूज टू मेजर स्क्यूनेस. सो द फॉर्मूला इज x बार, दैट इज द मीन, माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्मॉल s. दिस स्मॉल s इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. We've again discussed standard deviation in previous lectures. I will link these lectures here in case you want to go back and revise what we had covered in this topic. So you will notice that standard deviation, humne padha tha dispersion mein, and we know that standard deviation is a measure of dispersion. So hum jabhi bhi skewness ko measure karte hain to hum use hamesha dispersion ke respect mein padhte hain, because we are dividing the measure of skewness with standard deviation, which is a measure of dispersion. Now x bar minus mode, and here we have 3 x bar minus median. These two formulas are actually the same, because by the relationship jo humne abhi dekhi hai, we know that the distance between mean and mode is equal to 3 times the distance between mean and median. To ye dono ek hi baat hai, aap kisi bhi formula ko use karoge aapka answer same aayega. Now this value, the denominator, will be positive when mean will be greater than mode, right? जब mean जो है mode से greater होगा तब ये numerator की जो value है ये positive आएगी, और इसकी value negative कब आएगी, जब mean mode से less than होगा. और ये किस केस में होता है, हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, वी लुक्ड एट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी सॉ दैट दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस. पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में मीन इंक्रीज हो जाता है मोड से, और नेगेटिव स्क्यूनेस के केस में मीन डिक्रीज हो जाता है मोड से. तो इस मेजर की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो हम बोलते हैं दैट द डेटा इज पॉजिटिवली स्क्यूड, और इस मेजर की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तब हम बोलते हैं दैट द डेटा इज नेगेटिवली स्क्यूड. This measure will range from -3 to +3. तो ये जो measure है skewness का, which is the Pearsonian measure of skewness, this will range from -3 to +3. And depending on the value, अगर suppose -3 आता है, this means that your data is highly skewed. If it is -1, then your data is less skewed and it is negatively skewed. So आप सिंबल के बेसिस पे ये डिटर्मिन करते हो कि स्क्यूनेस का डायरेक्शन क्या है, whether it is positively skewed or negatively skewed, और इस नंबर के बेसिस पे, इस मैग्नीट्यूड के बेसिस पे ये डिटर्मिन करते हो कि आपके डेटा में स्क्यूनेस का एक्सटेंट कितना है. द सेकेंड काइंड ऑफ मेजर इज दिस क्वार्टाइल मेजर ऑफ स्क्यूनेस. ओके, सो बिफोर वी कम टू क्वार्टाइल स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आपके डेटा में स्क्यूनेस नहीं है देन दिस मेजर विल हैव वैल्यू 0. वाई 0? बिकॉज इन केस ऑफ नॉन स्क्यूड डेटा मीन मीडियन मोड की वैल्यू सेम होती है. तो आपका जो न्यूमरेटर है, जब स्क्यूनेस आपके डेटा में नहीं होगी तो मीन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू मोड एंड न्यूमरेटर विल बिकम 0, एंड हेंस दिस वैल्यू विल बी 0 फॉर डेटा जिसमें no skewness, where there is no skewness, when the data is symmetrical, when the distribution is symmetrical. Okay, coming back to the other measure of skewness, which is the quartile measure of skewness. Now we know that in a symmetrical distribution ye jo relationship hai ye hamesha hold true karega. Is relationship ka kya matlab hai, let's look at a distribution. Let's say this is a median. And in a symmetrical distribution, we know that the median is equal to average is equal to mode. Let's have some quartiles here. So we have Q1 and Q3.
नाउ जब एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है तब Q3 और मीडियन के बीच का जो डिस्टेंस है विच इज दिस वैल्यू दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस डिस्टेंस इन केस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वेयर देयर इज नो स्क्यूनेस सो इन केस ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q3 माइनस मीडियन विच इज दिस डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू मीडियन माइनस Q1 विच इज दिस डिस्टेंस राइट बट सपोज योर डेटा इज ईदर पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड then this will change. So suppose this is your median and then this will become your Q3 and this will be your Q1. So you will notice that if the distribution is positively skewed, the top 25% of the values will tend to be further from the median than the bottom 25%. Iska matlab hai that when your data is positively skewed, this distance, that is the distance between Q3 and median, will be greater than the distance between median and Q1. Because now your distribution is skewed towards the positive side. You have higher concentration in the larger values of X. So, jo ye relationship hai, ye disturb ho jati hai in case of positive skewness as well as in case of negative skewness. So, a possible measure, another measure of skewness could be this measure where we are subtracting the distance between Q3 and median and we are taking out the distance between median and Q1 and then we are subtracting the two. So, numerator mein hum kya kar rahe hain? Median aur Q3 ke beech ka distance le rahe hain. Median aur Q1 ke beech ka distance le rahe hain. Aur fir in dono distance ko subtract kar rahe hain. Now, we just said ki positive skewness ke case mein, median aur Q3 ke beech ka jo distance hai, वो मीडियन और Q1 के बीच के डिस्टेंस से ज्यादा होता है विच मीन्स दैट द न्यूमरेटर विल बी पॉजिटिव इन केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस इन केस ऑफ नेगेटिव स्क्यूनेस द न्यूमरेटर विल बी नेगेटिव सो अगेन इफ दिस मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज पॉजिटिव इट शोज दैट द डेटा इज पॉजिटिवली स्क्यूड इफ दिस मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज नेगेटिव इट शोज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड Again, you will notice that in the denominator, you have Q3 minus Q1. If you remember, this is also one of the measures of dispersion. So, agar aapko quartile deviation yaad ho, jab humne measure of dispersion ki baat kari thi, to quartile deviation kya hoti hai? Q3 minus Q1 divided by 2. So, jo yahan pe denominator hai, this is nothing बट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन अगर मैं इस क्वार्टाइल डिविएशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये सेम डिनोमिनेटर मिल जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है सो अगेन एज वी सॉ इन दिस लास्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस की हम स्क्यूनेस को मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्पर्जन यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डिविएशन लिया था डिनोमिनेटर में यहाँ पे हम 2 टाइम्स क्वार्टाइल डिविएशन ले रहे हैं डिनोमिनेटर में ऑलराइट द रेंज ऑफ दिस measure will be from minus 1 to plus 1. So, the quartile measure of skewness will range from minus 1 to plus 1. Whereas the last measure, which is the Pearsonian measure of skewness, will range from minus 3 to plus 3. Okay. Moving ahead, so these are the two measures that we are going to discuss in this lecture. Now, let's look at an example. So, the question is calculate a measure of skewness for the frequency distribution in table 3.2. So, we've already looked at this table 3.2. If I go back to one of our This is the table that we are talking about, जो हमने rent values की table discuss करी थी और हमने if you remember we've already calculated the quartiles, the standard deviation for this table, we've calculated the average as well. So what we are doing in this question now is that we are just using the values of the different measures that we calculated and we are substituting it here. So, हमने mean निकाला था इसका 23.8. Again, I will just link the
lecture here. So if you want to go back to these calculations, you can refer to the lecture here. We had calculated the mode as well, and हमने इसी का standard deviation भी calculate करा है. हमने दोनों measure निकाले हैं यहाँ पे, Pearsonian measure of skewness as well as the quartile measure of skewness. Pearsonian measure हमारा आ रहा है -0.08, whereas the quartile measure of skewness is coming out to be -0.06. So both the measures are indicating negative skewness because sign जो है negative है और very slight degree magnitude से हमें पता लग रहा है it is 0.08 and 0.06. So it indicates that बहुत ही little, बहुत ही small degree of skewness है और जो skewness है वो negative side है, right? This can also be checked and verified from the measures of mean median mode. So, हमने देखा था जब हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मीडियन मोड निकाला था तो मीन आया था 23.8, मीडियन आया था 23.9 एंड मोड आया था 24.4. तो अगेन ये जो तीन मेजर्स थे ये काफी आपस में क्लोज थे, विच इंडिकेट्स कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था वो ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल था विद अ वेरी स्लाइट डिग्री ऑफ नेगेटिव स्क्यूनेस. So with this, we end the discussion on different measures that we can use as a first step to analyze your distribution, analyze your data. You can calculate measures of central tendency, and then you can look at aspects of variance in terms of dispersion and skewness, and then comment on how your data distribution looks like. In the next lecture, we will start with bivariate frequency distribution.